नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूँ। साथियों, इस यूपीएससी में मैं गत दिनों एक छोटा सा फ्लाइट में मेरे साथ किस्सा हुआ, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में कोलकाता जा रहा था और रास्ते में मेरे बाजू की सीट पर एक व्यक्ति था, हम दोनों में बातचीत शुरू हुई। उसने मुझे बताया कि मैं यूएसए में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ। मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। मैंने उस व्यक्ति से सैकड़ों प्रश्न किए। मैंने उससे खास तौर पर यह पूछा कि भारत और यूएसए, यहां दोनों के बेसिक अपब्रिंगिंग के सिस्टम में, बेसिक लर्निंग के सिस्टम में, व्यवसाय शुरू करने के सिस्टम में क्या फर्क है। जो बातें उसने मुझसे कही, जो बातें मैं अपने अनुभव से जानता हूं, जो बातें मैं उन अमेरिकन्स के माध्यम से जानता हूं जिन्होंने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया, उन सब का सार मैं आपसे कहने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया के उस सबसे बड़े देश में, महाशक्ति में, असफल होने को उतना बुरा नहीं माना जाता। हमारे देश में कोई असफल होता है तो उस पर असफलता का लेबल लगा दिया जाता है, ये मान लिया जाता है मानो कि वो खत्म हो गया। लेकिन वहां पर असफलता प्रोसेस का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति सफल होने के बाद अनेक बार असफल होता है और वो असफल बुढ़ापे तक होता रहता है, क्योंकि अक्सर वहां पर लोग एल्डरली एज में भी नए प्रोजेक्ट शुरू करते रहते हैं, कभी 30 की एज में, कभी 40 की एज में, कभी 50 की एज में, तो कभी 60 की एज में भी वहां पर व्यक्ति एजुकेशन लेने जाता है, नई डिग्री लेने जाता है, नई हॉबीज पैदा करता है, नई चीजें सीखता है और अपने जीवन को नए मीनिंग देता है। उसके विपरीत हमारे देश में व्यक्ति जब 30, 40 या 50 का होता है, उसके बाद यह मान लेता है कि बस मुझे जितना आता है उतना ही आता है। वो कोई नई चीज सीखने में यकीन नहीं करता, अक्सर वो नए चैलेंजेस लेने से घबराता है, अक्सर वो अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है, वो नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखना चाहता, वो नए सिस्टम्स नहीं सीखना चाहता, वो नए प्रोसेस नहीं सीखना चाहता। तो ये मूल फर्क है साथियों, कि हमारे देश में आज भी असफलता एक अभिशाप है। आपको आपके घर वाले, आपके नियर एंड डियर, आपके समाज वाले, आपके सहकर्मी सब एक नीची नजर से देखते हैं। हमको यदि अपने देश को असाधारण तरक्की के रास्ते पर ले जाना हो, हमको यदि खुद को असाधारण तरक्की के रास्ते पर ले जाना हो, तो सबसे पहले हमको असफलता को स्वीकार करना होगा। हमको यह मानना होगा कि असफल होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमको यह मानना होगा कि असफल होना कोई बुरी बात नहीं है, असफलता कोई दाग नहीं है, असफलता कोई शर्म नहीं है, असफलता एक प्रोसेस का हिस्सा है जो आप किसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पाते हैं, कभी सफलता के रूप में तो कभी असफलता के रूप में। दूसरी सबसे बड़ी बात जो उस चर्चा से बाहर आई वो ये थी कि हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रखते हैं। वहां पर 15-16 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा एक बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचता है। हमारे देश में हम बच्चों को ये कहते हैं, तुम तो अभी छोटे हो, क्या करोगे, अभी इसकी उम्र नहीं आई, शांत रहो, पढ़ाई करो, घर पे बैठो, ये मत करो, वो मत करो। हमारा सारा फोकस इस बात पर रहता है कि क्या ना करें और वहां सारा फोकस इस बात पर रहता है कि क्या करें। साथियों, आप नोटिस करिए, हमारे घर में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अक्सर अपने कपड़े धोना नहीं जानते हैं। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो बर्तन धोना नहीं जानते हैं। हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो बागवानी करना या गार्डन में घास काटने के लिए मशीन चलाना नहीं जानते। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो गाड़ी धोना नहीं जानते, क्योंकि एक स्तर के बाद हमारे घर में कोई ना कोई स्टाफ या फैमिली मेंबर ऐसा होता है जो इन कामों को अंजाम देता है और बच्चा करने की भी सोचता है तो हम उससे कहते हैं, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी, मत करो। इसके विपरीत वहां पर चूंकि फैमिली हेल्प नहीं होती, घर में आया या मेहरी नहीं होती, इस वजह से वहां पर एक छोटा सा बच्चा भी अपने बर्तन खुद धोता है। वहां पे क्लास 3rd-4th का बच्चा भी कपड़ा धोना जानता है। वो गार्डन में
बागवानी करना जानता है, वो घास काटना जानता है, वो गाड़ी धोना जानता है, वो हर छोटी बड़ी चीज जानता है जो हमारे यहाँ का एक युवा जानता है। साथियों, ये मूल फर्क है। हम अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में पैदा करते हैं, उनको कंफर्ट जोन में रखते हैं। जब भी वो नए चैलेंज लेने के लिए निकलते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हम उनका सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं, हम आधे से ज्यादा काम उनको करके दे देते हैं, इसलिए ये बच्चे एकदम चैलेंजिंग नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आज भी हमारे देश में जब आप 10th 11th 12th पढ़ने वाले किसी बच्चे से पूछोगे कि बड़े होकर क्या बनेगा, तो वो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, मैं CA बनूंगा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। लेकिन बहुत कम बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कह दे कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ये कह दे मैं बिजनेसमैन बनूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेसमैन बनूंगा ये कहना भी हल्का माना जाता है। कैसा देश है जो बिजनेसमैन सैकड़ों हजारों लोगों को एम्प्लॉय करता है, वो बनने की बात कहना हमारे घरों में गलत माना जाता है। तो हमको थोड़ा सा अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमको हमारे देश में उन महान देशों की तरह, महाशक्तियों की तरह एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को लाना पड़ेगा। भारतीय बहुत मेहनती हैं, भारतीय सब कुछ कर सकते हैं। हमारी ताकत हमारा इमोशन है, हमारी ताकत हमारा फैमिली सिस्टम है, हमारी ताकत हमारा इतिहास है, हमारा आयुर्वेद है, हमारा योग है। बहुत सारी चीज हमारे पास ताकत के रूप में है, लेकिन हम अपनी ताकत को सेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है। इसीलिए आज भी भारत के सैकड़ों हजारों ब्रिलियंट इंजीनियर्स अमेरिका की सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। आज भी हम उंगलियों पे तो नाम गिनते हैं, ये 10 नाम, ये 20 नाम, ये 30 नाम, ये 40 नाम, लेकिन उन नामों में से भी 80% लोगों ने अपना कैरियर वहां से शुरू किया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमको अपने बच्चों को छोटे छोटे काम खुद करना सिखाना चाहिए। हमको अपने बच्चों को घर के काम, बाहर के काम, खुद के काम, ये सारे काम खुद करना सिखाना चाहिए। आश्चर्य की बात यह होती है, हमारे देश में क्लास 10th 11th 12th तक में भी बच्चे बैंक नहीं जाते। उनको ये नहीं मालूम कि चेक कहाँ से कटता है, उनको ये नहीं मालूम कि DD कैसे बनता है, उनको ये नहीं मालूम कि NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है, क्योंकि उनको मौका ही नहीं पड़ता। घर वाले तुरंत सुरक्षा कवच के रूप में खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप एक असाधारण गुण है। किसी का स्टाफ बनने की जगह मालिक बनने की सोचिए, किसी का स्टाफ बनकर अच्छी सैलरी पाने की जगह सैकड़ों स्टाफ को अपने नीचे रखकर अच्छी सैलरी देने की सोचिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो फर्क उस व्यक्ति ने मुझे बताया, वो फर्क ये है कि हमारा स्कूली शिक्षा सिस्टम लीक से बाहर सोचने की इजाजत नहीं देता। आज भी क्लास में टीचर्स उसी बच्चे को नंबर देते हैं जो टीचर के बताए हुए आंसर को हूबहू लिखता है। आज भी हमारे स्कूल और कॉलेज में प्रोफेसर्स उसी स्टूडेंट को नंबर देते हैं जो बुक में लिखे हुए आंसर्स को हूबहू लिखता है। यदि वो बच्चा जरा भी अपना दिमाग चलाता है, जरा भी आउट ऑफ द वे जाना चाहता है, जरा भी लीक से हटकर जवाब देता है, तो वो ये मानते हैं कि इसको कुछ नहीं आता। कई बार वो ईगो पे भी ले लेते हैं, कई बार वो ये सोचने लगते हैं कि ये बच्चा ज्यादा होशियार बन रहा है। साथियों, हमारे देश में लर्निंग बढ़ाई नहीं जा रही है, लर्निंग को किल किया जा रहा है। हमारे देश में क्रिएटिविटी को बढ़ाया नहीं जा रहा है, ये हमारा सड़ा गला स्कूली सिस्टम उस क्रिएटिविटी को किल कर रहा है। हमको हमारे बच्चों को लीक से हटकर उत्तर देना सिखाना चाहिए, हमको हमारे बच्चों को लीक से हटकर प्रोजेक्ट करना सिखाना चाहिए, हमको हमारे बच्चों को छोटी उम्र में पैसा क्या होता है ये सिखाना चाहिए, छोटी उम्र में पैसा कैसे अर्न किया जाता है ये सिखाना चाहिए, छोटी उम्र में अपने काम खुद कैसे किए जाते हैं ये सिखाना चाहिए, छोटी उम्र में बड़े सपने कैसे देखना चाहिए ये सिखाना चाहिए। आप अपने बच्चों को किसी की फोटोकॉपी मत बनाइए, उनको ओरिजिनल रखिए, उनको सिखाइए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी काम बुरा या भला नहीं होता। दुनिया में किसी कंपनी का GM बनने का सपना, AGM बनने का सपना, DGM बनने का सपना,
देखने के साथ साथ बच्चे को किसी कंपनी का मालिक बनने का सपना भी देखना सिखाइए, तब जाकर हमारा देश एक महाशक्ति बनेगा। मैं कहना चाहता हूं, हमको हमारे घरों से इस सोच में परिवर्तन लाना होगा, अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा, खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा, खुद भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उन पर भी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, तब हमारे देश से भी बड़ी कंपनियां निकलेगी, MNCs निकलेंगी, जो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी और दुनिया पर राज करेगी। लेकिन इस राज करने की शुरुआत हमारे अपने घर से होगी। मैं चाहता हूं, मैंने जो भी कहा, आप पहले 2-4 दिन अपने घर में अपने आसपास ऑब्जर्व करें और उसके बाद मेरी बात वाजिब लगे तो उस पर अमल करें। हमारे देश में महाशक्ति बनने के लिए सब कुछ है, बस हम सबको मन के भीतर से मालिक बनना है, यह संकल्प पैदा करना होगा।